फ्रेंड्स ये देखिए, मैं काठमांडू हूँ। ये अब हम लोग काठमांडू दरबार पे जा रहे हैं। यहाँ पर टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा चार्जेस मांगते हैं, 500 सिर्फ एक छोटी सी जगह पे जाने का, पूरा पैकेज के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये। यहाँ अरुण पांडे जी जो ट्रैफिक पुलिस से हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। इन्होंने हम लोगों को काफ़ी अच्छा बतलाया है यहाँ पर। अरुण जी, मैं इंडिया से आया हूँ, आप ज़रा आप यहाँ के बारे में बतलाएं मुझे, काठमांडू के बारे में, घूमने की कौन कौन सी जगह है? बहुत है, पशुपति टेम्पल हुआ, राज दरबार हुआ, इसके बाद में बुधानीकंठ हुआ, शंभुनाथ हुआ, वो सब अच्छा है। फ्रेंड्स इन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया कि कैसे कैसे जाना है, क्योंकि ये जो टैक्सी वाले हैं 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और इन्होंने जिस हिसाब से हम लोगों को तरीका बताया उस हिसाब से सिर्फ 500-600 रुपये में हम पूरा एरिया कवर कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोग भी हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। ये जो शंभुनाथ जी हैं, मतलब ये यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस में हैं, इन्होंने हमारा बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यूट्यूब पे डालूंगा, नेपाल में आए आपसे सबसे पहले, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स ये देखिए, हम लोग काठमांडू दरबार में आए हुए हैं। ये यहाँ पर मंगल और बुध के दिन बंद रहता है, या अभी जल्दी बंद हो गया है, बुध के दिन बिल्कुल क्लोज रहता है। पर एक चीज़ और है यहाँ पर अंदर, ये जो राजा के जो इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, गिफ्टेड आइटम वगैरह है, जो भी है, हम लोगों को यहाँ किसी को भी टूरिस्ट को अंदर मोबाइल कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो मैं ये सिर्फ आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये महल का, ये काठमांडू दरबार है ये। मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलता हूँ, यहाँ से तो मैं रवाना हो रहा हूँ। फ्रेंड्स ये नारायण हिति पैलेस, राजमहल पैलेस, यहाँ का टाइमिंग 11 से 2 ही है, और अब हम लोगों का टाइम निकल चुका है। और अंदर काफ़ी कुछ राजा के जो शासनकाल के सामान वगैरह सब रखे हुए हैं वो मैं दिखाता, मगर वो अंदर मोबाइल भी ले जाने नहीं देते, इसलिए अब हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए। अब हम लोग बाहर गाड़ी वाली बुक कराएंगे। वैसे लोकेशंस बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, ये आपको मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए, हम लोग नेपाल की वादियों में घूम रहे हैं। ये यहाँ का मॉल है, ये पूरा यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम काठमांडू का। हम लोग बाहर से निकल चुके हैं काठमांडू दरबार से, हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं पाटन दरबार के लिए। ये हम लोगों को अभी टाइमिंग का कोई अता पता नहीं था कि कितने बजे जल्दी बंद हो जाता है, कितने बजे खुलता है। अभी मैं भी 2 बज रहे हैं तो ये दरबार बंद हो गया। फाइनली हम लोगों ने कैब बुक करा ली है 1500 रुपये नेपाली के अंदर। ये हमें 3-4 जगह घुमाने लेकर जाएंगे ये हम लोगों को, और अब हम लोग पाटन दरबार की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये फ्रेंड्स ये जो आपको सामने घड़ी दिख रही है, घंटाघर है काठमांडू का, क्लॉक टावर ये देखिए। ये देखिए ललितपुर का ये महानगर पालिका है, अब उसके पास से गुजर रहे हैं हम लोग पाटन दरबार स्क्वायर पर। ये देखिए काफी अच्छा, पूरी हमारे इंडिया जैसी फीलिंग आती है यहाँ पर नेपाल में, रोडों पर घूमने में गाड़ियां पूरी इंडियन, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफी कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये श्याम भाई हैं, मत बताइए छोटी सी हमको बोल में बोल के क्या कर रहा है। गेट बोलता है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स ये शहीद गेट है, वो दरारा है ये ऊपर, अभी 2 साल से ऊपर जाने का बंद कर दिया है। यहाँ पर काफी सुसाइड कर रही थी पब्लिक ऊपर जाकर, जो बंद कर दिया सुसाइड नहीं। फ्रेंड्स हम लोग ये थापा थली चौक से निकल रहे हैं अब पाटन के लिए। ये देखिए
ये पूरा मैं आपको काठमांडू के बाजार मार्केट रोड दिखा रहा हूँ। ये ललितपुर है, वो काठमांडू चला गया इधर से, ये ललितपुर शुरू हो गया है। काठमांडू में ही एक जगह है, ये देखिए सामने काठमांडू जिला ललितपुर भक्तपुर काठमांडू, ये अभी ललितपुर लग गया। ललितपुर काठमांडू से हम लोग ललितपुर आ गए हैं। फ्रेंड्स हम लोग काठमांडू दरबार से निकल चुके हैं, अब यहाँ से पाटन दरबार के लिए जा रहे हैं। आप देखते हैं वहाँ पर भी अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ है या नहीं है, ये हम देखते हैं यहाँ से। ये पूरा काठमांडू का जो मार्केट है, क्या नाम है भाई साहब? ये जमाल मार्केट है ये यहाँ पर। ये देखिए पूरा जमाल मार्केट जो है काठमांडू का, मैं वहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए हम अंदर इंटीरियर देखिए, घर देखिए यहाँ के नेपाल के। नेपाल की हर रोड गलियां आपको दिखा रहा हूं मेरे इस चैनल के माध्यम से। हर आइटम मिलेगा, हर चीज मिलेगी यहाँ पर। आइटम होने से तो लड़की हो गई। फ्रेंड्स हम लोग ये ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड पाटन म्यूजियम पे आए हुए हैं। ये देखिए ये करीब 800 साल हजार साल पुराना। फ्रेंड्स हम लोग ये पाटन दरबार में आए हुए हैं। ये जो एक अंदर म्यूजियम भी है, ये देखिए चारों तरफ पुराने जमाने का, ये जो आर्ट देखिए क्या जबरदस्त डिजाइनिंग हुई हुई है यहाँ पर। क्या कारीगरी है ये देखिए, ये टोटल लकड़ी के ऊपर है ये सारी कारीगरी। ये अब हम एंट्रेंस ले रहे हैं यहाँ पर अंदर। ये जो भी आपको दिख रहा है ये लकड़ी का है, उसके ऊपर ये डिजाइन हुआ है पाटन दरबार जो कि ललितपुर में है। फ्रेंड्स मैं ये पाटन दरबार में आया हूँ। ये देखिए पूरी एक लकड़ी के ऊपर ये पूरा वुडन का काम हुआ है ये पाटन दरबार के अंदर। ज़्यादातर यहाँ पर क्राफ्ट का जो भी काम है वो आपको लकड़ियों के अंदर, ये देखिए पूरा एक सिंगल लकड़ी पे ये क्राफ्ट। और ये अभी का नहीं, यहाँ बतलाते हैं 400-500 साल पुराना है ये। अब हम ऊपर जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए पाटन दरबार के जो म्यूज़ियम में मैं अंदर आया हूँ, ये देखिए ये जो पिलर हैं ये लकड़ी के हैं और ये अभी के नहीं हैं, ये 400-500 साल पुराने हैं ये पिलर जो है, ये सब लकड़ी के हैं। ये देखिए उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है ये पाटन दरबार का। ये लकड़ी पे जबरदस्त कारीगरी हुई है, मैं ये दिखाने के लिए ही यहाँ पर आया आपको कि लकड़ी पर देखिए वर्क देखिए इसका क्या जबरदस्त वर्क है। और इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर सिर्फ लकड़ी के पिलरों पे ही टिका हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग काफी ऊपर से ही ले रहे हैं ये छत की जो कलाकारी है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। छोटी छोटी ईंटों से जोड़कर बनाया गया है ये
काफ़ी पुराना। और ये नीचे जो आप दिख रहा है ये सब लकड़ियों का है, ये जितने भी कारीगरी हुई है लकड़ी के ऊपर हुई है। फ्रेंड्स देखिए ये पाटन दरबार के आसपास जो भी गलियां हैं जो भी घर हैं ये सब इसी टाइप से बने हुए। किसी ज़माने में बतलाते हैं यहाँ पर खूब बर्फ़बारी होती थी, अब क्लाइमेट चेंज हो गया तो सब बंद हो गया, अब आगे की तरफ बर्फ़बारी होने लग गई है। ये देखिए ये एक जगह ललितपुर काठमांडू से करीबी है, ये वहाँ पर एक जगह है पाटन दरबार जो कि एक म्यूज़ियम भी है। और यहाँ के आसपास का मैं ये लोकेशंस दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ के घर। अब मैं आगे और आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स ये देखिए ये मसाज बॉल है, ये सिंगिंग बॉल भी कहलाती है, ये हाथ की हथेलियों में सनसनी पैदा कर रही है ये बॉल। कितने का आंटी? ये वाला आपको 1000 इंडियन मनी में दे देगा। 1000 का? ये 1000 का है ये। फ्रेंड्स हम लोग ये पाटन दरबार आए हैं, ये देखिए पाटन दरबार से नहीं ये नीचे एक बावड़ी ये बनी हुई है, ये पूरा मार्केट है, ये यहाँ का सामने रूफटॉप रेस्टोरेंट वगैरह सब चल रहा है। ये देखिए ये यहाँ का आदर्श कन्या निकेतन सेकेंडरी स्कूल है। ये पूरा मार्केट ये अंदर का देखिए। फ्रेंड्स हम लोग अब ये पाटन दरबार से रवाना हो रहे हैं, ये देखिए सारे अंग्रेज़ भरे हुए हैं यहाँ पर, सब दूर दूर से देखने आ रहे हैं। हम भी पाटन दरबार पर आकर देख कर गए, वुडन का वर्क काफ़ी शानदार खूबसूरत। ये देखिए दूर दूर तक कितना अच्छा। अब हम लोग यहाँ से रवाना होते हैं, अब फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा मैं अपने आप अगले व्लॉग में।